बहुत अच्छा दिन बीता है और ये सच है कि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। हिंदी समाज में कविता पढ़ने के अवसर तो बहुत ही कम आने लगे हैं और जब भी वो आते हैं बहुत अच्छा लगता है। पिछले दिनों राजकीय नाट्य विद्यालय में आप जानते होंगे कि मैं वहाँ 12 बरस था, बहुत अच्छा समय बिताया। हम लोगों ने श्रुति नाम से मासिक कार्यक्रम शुरू किया था, इसकी करीब 100 कड़ियाँ हुई, उसमें हम कविता और कहानी पाठ ही रखते थे छात्रों के लिए और जो लोग आते थे, और ये तय कर लिया गया था कि 1 घंटे का पाठ होगा, उससे ज़्यादा का नहीं, पहले से बता दिया जाता था कि 1 घंटे का पाठ होगा ये, और वो अब बहुत अच्छी तरह चल रहा है। 29 नवंबर को, क्योंकि वहाँ मैं बैठा अपने बरस और मैंने ही वो शुरू किया था, तो मुझे बुलाया गया कविता पढ़ने के लिए। उस दिन जो कविताएं मैंने चुनी थी जिसमें थोड़ी सुविधा है मुझे और शायद ये नई पुरानी कविताओं का एक क्रम तो नहीं कहूँगा, अलग अलग पड़ाव दिखाई पड़ते हैं खुद को जब हम पढ़ने लगते हैं। कविता के बारे में एक चीज और कहना चाहता हूँ जो मेरी वैसे नहीं है लेकिन उससे बहुत ज्यादा सीख मिली। अंग्रेजी के बड़े कवि W.H. ऑर्डन का एक लंबा इंटरव्यू किसी ने किया था और उनसे पूछा कि कविता लिखने का आपका सबसे बड़ा अनुभव क्या है। तो अभी हर्षदेव से दूसरे प्रसंग की एक कविता डर पढ़ रहे थे, उनके मुंह से निकला डर, फिर उन्होंने उसका आगे और पूछा उसने डर किस बात का, तो उनका डर इस बात का है कि ये जो कविता आज लिख ली है मैंने, ये महीने भर पहले लिखी थी, ये आज शायद आज ही लिखी है, इसके बाद मैं कविता लिख पाऊंगा, ये डर हम लोगों को के मन में समाया रहता है। फिर वैसा सोचने लगा और इतने सोचते सोचते मैंने पाया कि सुभद्रा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी याद मैं रोज करता हूँ, ऐसा कैसे हुआ होगा कि इतने बड़े, जितना उनको जीवन मिला बहुत लंबा नहीं मिला था, उनका एक छोटा सा संग्रह उससे ये भी जाना कि झांसी की रानी कविता आप रोज रोज नहीं लिख सकते। कि आज हमने सोचा कि हम राज बताकर कविता लिखेंगे और आपसे लिख डाली, बहुत छोटा सा संग्रह है मुकुल। तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग भी अक्सर कुछ नोट कर लेते हैं पर ये भ्रम बना रहता है या कभी आशंका बनी रहती है, कभी कभी लगता है कि नहीं ये कविता है, फिर एक पाठक के नाते उसको आप देखते हो तो लगता है कविता है शायद, पर कभी नहीं भी लगता। तो मैं जब कविता पढ़ता हूँ तो कुछ उम्मीद में भी पढ़ता हूँ कि कुछ अपने पाठ से ही फर्क होगी कि ये कविता है कि डायरी में लिख लिया गया कोई अनुभव है, कोई विचार है। आप थोड़ी सी कविताएं सुनाऊंगा और ये थोड़ा अच्छा होता है, हमारे मित्र को बल्कि बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि थोड़ा प्यासा छोड़ देना अच्छा है घा देने के बजाय। तो जब लगेगा कि नहीं मेरा समय कोई मुझे और नहीं लेना चाहिए तो समझिए ज़्यादा 10 मिनट क्योंकि आप सब इकट्ठा हो और मैं भी एक बहुत अलग तरह की रात बिता कर आया हूँ। तो मतलब जीवन में शायद वैसे तो होता है आप कहीं गए हो तो विदेश में और फिर फ्लाइट्स का ऐसा इंतजाम ही है कि आपको रुकना है कहीं 5-6 घंटे बिताने हैं और नींद आ रही और नहीं आ रही, आपने देखा होगा स्टेशनों पर और एयरपोर्ट पर भी लोग कैसे सो जाते हैं बेसुध होकर, कभी कभी तो इस तरह से कि जैसे क्योंकि नींद पर बस नहीं। तो ये कविता है, शुक्रिया।
शाम के पेड़ की फुंजी पर बैठे हुए या अभी अभी उड़े जाते जिस पंछी को देखते हो, कितना कम जानते हो उसके बारे में, सिवाय उसके रंग रूप के, वह कहाँ कहाँ बैठा, उड़ा कहाँ कहाँ, कहाँ पिया पानी, दाने खाए चार, कुछ भी तो जानते नहीं। पर इस वक्त साथी है वह तुम्हारा दूर का, जब तुम गुजर रहे हो एक वाहन वाहन से उसे देखते हुए, शुक्रिया अदा करो उसका, इस शहर में होने का, उसने बहुत कुछ जोड़ दिया है तुम्हारी शाम के आकाश। और एक कविता जो मैं अक्सर पढ़ना चाहता हूँ और आज फिर पढ़ गए, वो है रघुवीर जी को समर्पित है कविता। और ये एक समय मैंने कुछ व्यंजन बनाने की विधियाँ कविता से शुरुआत हुई थी, फिर कई 10-12 कविताएँ और लिखी उसमें, खाने की विधियाँ, सोने की विधियाँ दी है। फिर एक दिन मैंने उसको रोक दिया, मैंने कहा जो भी अनुभव आ रहा है मुझ तक वो इसी तरह से आ रहा है, तो अब ये फॉर्म को बदलना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसमें पता नहीं चलता कि ये कविता है या उस फॉर्म में फिर से कोई अनुभव बसा दिया गया। अगर उसको ढूंढने बैठूं, शर्म भी आनी चाहिए मुझे। व्यंजन पकाने की विधियां नहीं, इसमें समर्पित भी लिखा हुआ भी है रघुवीर सहाय की, इसमें समर्पित। आप वैसे कई लोग पुरानी चीजें मुझे जानते ही होंगे, दिनमान जैसा कह सकता हूँ मैं, पाठक के नाते भी हिंदी में निकला नहीं, पहले वासुदेव जी के संपादक थे, उनके साथ काम करना शुरू किया था फ्रीलांसर की तरह, फिर रघुवीर जी के साथ 10 बरस काम किया। तो ये कुछ उन पर है, कुछ उन वर्षों पर है, कुछ और बहुत सारी चीजों पर है। व्यंजन पकाने की विधियां कई, व्यंजन भी कई है, स्वाद भी कई है ढेरों व्यंजनों के, हर व्यंजन विधियों को चकमा दे, कब कैसे स्वाद को मधुर तिक्त करते हैं, यही चमत्कार है। चाहे तो हम इसे रहस्य ही कहें, हाथों का जस वह तो होता है, उससे भी बड़ी चीज लेकिन वह मन है जो व्यंजन पकाता है, वह अदृश्य रहता है, स्वाद जो आता है जीभ पर, जान वह कैसे यह लेता है, किस मन से व्यंजन पकाया गया। सामग्री वह तो होनी होगी, सामग्री बिन व्यंजन यह तो सुना नहीं, हाँ वह भी कैसे जुटाई गई यह महत्वपूर्ण है, अंत तब यही होगा स्वाद का, कैसे जुटाए गए सामग्री मन व्यंजन विधियां। जितनी देर में ऊपर से गुजरता है एक हवाई जहाज, इसकी शीर्षक इसके अंदर, जितनी देर से ऊपर से गुजरता है हवाई जहाज, उतनी देर में कुछ चींटियां चींटी चाल से बढ़ लेती हैं एक पेड़ के गिर्द, उतनी देर में कपड़े सुखाती एक औरत, तार पर टांग देती है दो कपड़े, उतनी देर में डाकिया डाल देता है एक घर की चिट्ठियां, खेत में खड़े किसान का फावड़ा आ रहता है जमीन पर, उतनी देर में भर लेता है एक बछड़ा दो कुलाचे, उतनी देर में एक औरत लगा लेती है तालाब में एक और डुबकी,
कभी कभी उतनी सी देर में एक लड़की के हिस्से में आ रहता एक और दुख या कि सुख। अगर हुआ जहाज बम बरसत तो इससे भी कितनी कम देर में तहस नहस हो जाते ये सारे। क्या बात, बहुत खूब। और अभी बिल्कुल हाल में लिखी कविता भोपाल में लिखी थी। मध्य प्रदेश बड़ा गहरा रिश्ता है। भोपाल में हमने घर भी बनाया, वहाँ कम जा पाते हैं, ज़्यादा दिल्ली रहते हैं। तो ये कविता मोह तो होता है, अब वो किससे संवाद है आप समझ जाओगे। मोह तो होता है वृक्षों वनस्पतियों चिड़ियों फूलों से, मोह तो होता है। बाट उनकी हम जोड़ते मित्रों परिजनों से प्रेम बंधनों से, मोह तो होता है। रहते हैं टोलते गतिविधियां इनकी जीवन भर, मोह तो होता है। पशुओं से गति तक झीलों से छांव भरे रस्तों से, मोह तो होता है। पहाड़ों से उनकी पगडंडियों से अंत नहीं मोह का, जीवन को थामे ही रहता है मोह। कभी फूटती रुलाई कभी खिलखिला पड़ती हंसी, होता है बिछोह भी होता है। आड़े आ रहता है मोह के, मोह की बिछोह की गति बनी रहती है। आरोह अवरोह इनके सब चलते ही रहते हैं, बिछोह तो होता है मोह तो होता है। और एक कविता मुझे बड़ी खुशी है, 30 बरस पुरानी है, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि जब इसी तरह का भूमि उन्माद सत्ता का या मुख्यतः सत्ता का पैदा होता है तो इस कविता को लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उन्माद कभी ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, यही है लक्षण उन्माद। बीजों में पेड़ों में पत्तों में नहीं होता उन्माद, आंधी में होता है पर वह भी ठहरती नहीं ज्यादा देर। जब हम होते हैं उन्माद में देख नहीं पाते फूलों के रंग जैसे कि वे हैं। उतर जाता उन्माद नदी का भी पर जो देखता है नदी का उन्माद भी वह उन्माद में नहीं। उन्माद सागर का होता है पर जो देखता है पर वह भी नहीं रहता उन्माद में बराबर। सूर्य और चंद्र में तो होता ही नहीं उन्माद, होता भी है तो ग्रहण। जो है उन्माद में उन्हें आएंगी ही नहीं समझ में ये पंक्तियां, प्रतीक्षा में रहेगी कविता यह उन्माद के तरने। और मैं देखता हूँ वो चर्चा करने की आसानी से मिल जाए तो मैं अपना पाठ समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।